नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ चेतना शियाल और स्वागत है आपका मेरी मेडिसिन नॉलेज चैनल में। सब्सक्राइब करें अपनी मेडिसिन नॉलेज चैनल को और बेल आइकन को दबाएं अपनी लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्टिन 16 mg टेबलेट्स के बारे में। वर्टिन 16 mg टेबलेट्स में कौन सा कंपोजिशन पाया जाता है, इसका उपयोग क्या है, इसकी साइड इफेक्ट क्या क्या है और कौन सी कंडीशन में हमें अवॉइड करना चाहिए। वर्टिन 16 mg टेबलेट्स में बीटा हिस्टिन नाम का कंपोजिशन पाया जाता है। वर्टिन 16 mg टेबलेट्स का उपयोग हमारे शरीर में मेनियार सिंड्रोम के इलाज के लिए किया जाता है। मेनियार्स एक ऐसा सिंड्रोम है जिसमें कान में समस्या होती है, जिसमें चक्कर आना, कानों में घंटियां बजना, सुनने में प्रॉब्लम होना जैसी समस्याओं में यह टेबलेट उपयोग होती है। ज़्यादातर यह टेबलेट का उपयोग चक्कर में यूज होती है। वर्टिन 16 mg टेबलेट्स को डॉक्टर की सलाह के अनुसार पेशेंट को दिया जाता है। यह टेबलेट खाने के बाद में दिन में 2 बार या 3 बार दिया जाता है। यह टेबलेट लेने के बाद में कॉमन साइड इफेक्ट्स हो सकती है, जैसे कि सिर दर्द होना, जी मचलना, उल्टी आना, पेट दर्द होना, अपचो जैसी साइड इफेक्ट्स हो सकती है। यह वर्टिन 16 mg टेबलेट्स कौन सी कंडीशन में हमें अवॉइड करना चाहिए, जैसे कि अगर आपको यह टेबलेट की एलर्जी है, अगर आप हाई ब्लड प्रेशर की समस्या और उसका इलाज अभी तक नहीं हुआ है तो यह टेबलेट नहीं लेनी चाहिए, और प्रेगनेंसी और स्तनपान करा रही मदर को यह टेबलेट नहीं लेनी चाहिए, और अगर आपको ड्राइविंग के टाइम पर और अगर कोई अल्कोहल का सेवन कर रहा है तो यह टेबलेट लेने से पहले हमें डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेना है। और यह वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए बनाया गया है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। थैंक यू।